Now next important properties of the pointers, what should be the size of pointers or how many bytes are pointed by pointers. For examples, जब भी आप कोई pointer variable create करते हो pointer के respect जैसे तो two places consider होंगे p and star p. अगर pointer variable का name p है then p के respect में total logical place कितने consider करने दे रहा है two places p और star p. What is the size of p means जब pointer variable create करो then pointer का size क्या हो then same as how many bytes are pointed by this pointer means star p के respect में star p के थ्रू कितने bytes represent होंगे. Now this discussion is my about completely about given property. What is the size of p, what is the size of star p, most important things. After that we are discussing some arithmetic operations related to pointers or upon a pointers. For examples, अगर किसी भी स्टैक डायग्राम को लेकर बात करें, इनिशियली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग स्टैक. स्टैक के रिस्पेक्ट में अगर इसका साइज क्या है, अभी तक मैंने जितने भी डायग्राम्स क्रिएट किए थे मोस्ट ऑफ डायग्राम्स में मैंने इंटीजर टाइप के वेरिएबल क्रिएट किए थे. इंटीजर का साइज क्या था, 2 बाइट्स, लेकिन मैंने ब्लॉक कंसीडर किए थे 2 बाइट्स ब्लॉक्स. स्टैक के केस में फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या रहा होगा, समथिंग 0, नेक्स्ट बाइट का एड्रेस 1 एंड सो ऑन. लास्ट बाइट का एड्रेस क्या है, समथिंग 65535. मींस स्टैक का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है, पॉइंटर्स के लास्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ पॉइंटर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स, नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर एंड ह्यूज पॉइंटर. देन इन दैट टाइम वी आर डिस्कसिंग मेमोरी मॉडल्स. सेम मेमोरी मॉडल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था ड्यूरिंग वेरिएबल्स regarding residence memory. Same residence memory again discussion toward करेंगे. In that case, इस केस में consider कर रहा हूँ सभी block का size क्या, exactly 1 bytes. तो next block का size क्या होगा, something 65534, then 65533, 65532 and so on like that. जब भी आप कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करो, सपोज दैट अगर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया कैरेक्टर एक्स, देन एक्स क्या है इसके इसमें एक्स का डेटा टाइप क्या है कैरेक्टर, देन इसलिए एक्स कितने बाइट्स के नेम हुआ, एक्स इज अ नेम ऑफ 1 बाइट. बट सपोज दैट अगर सेम केस में एक्स का डेटा टाइप कैरेक्टर यूज ना करके अगर मैं इंटीजर टाइप यूज कर दूं, देन इसका साइज क्या होता, मींस नाउ एक्स इज अ नेम ऑफ 2 बाइट्स, मींस 2 बाइट के ब्लॉक का नेम क्या हो जाएगा, समथिंग एक्स. सिमिलरली अगर x का डेटा टाइप में 4 यूज कर दो, देन उसके इसमें x कितने बाइट का नेम होगा, 4 बाइट्स का, लाइक दैट. मींस किसी भी वेरिएबल का साइज किस पर डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन डेटा टाइप्स. वन मोर थिंग्स, द 3 डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं लाइक अ कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट, लाइक दैट. और इसके इसमें रियल डायग्राम कंसीडर करें, x कितने बाइट्स का नेम हुआ, 1 बाइट. y कितने बाइट्स का नेम हुआ, इज अ नेम ऑफ 2 बाइट्स. z कितने बाइट्स का नेम हुआ, नेम ऑफ 4 बाइट्स. z इज अ नेम ऑफ 4 बाइट्स. मींस x के पास टोटल 2 बाइट्स हैं. अगर आप अप्लाई करते हो m परसेंट ऑफ x, अब x के सॉरी x 1 बाइट का नेम बिकॉज x इज अ कैरेक्टर टाइप, इसलिए x का एड्रेस क्या है, 65535. लेकिन अगर y के रिस्पेक्ट में बात करें, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ y, क्योंकि y के पास टोटल 2 बाइट्स हैं, y के अंदर फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या है, 65533, सेकंड बाइट का एड्रेस क्या है, 65534. अगर आप m परसेंट ऑफ y अप्लाई करोगे, देन इस केस में आपको एड्रेस क्या मिलेगा, जनरली देखा जाए तो इसके पास 2 बाइट्स अवेलेबल है, इसलिए एड्रेस भी कितने 2. लेकिन जब भी आप m परसेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल के लिए अप्लाई करोगे, हमेशा रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस ऑफ बिगिनिंग बाइट्स ऑफ फर्स्ट बाइट, और फर्स्ट बाइट का एड्रेस ऑलवेज क्या होगा, लोअर. इसलिए अगर y के एड्रेस की बात करें, तो y का एड्रेस क्या हुआ, 65533. इसके इसमें क्या है, 32 31 329 65529. अगर z का एड्रेस एक्सेस करें, तो z का एड्रेस क्या मिलेगा आपको, z के पास टोटल 4 बाइट्स है, लेकिन एड्रेस क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ ओनली फर्स्ट बाइट. सिमिलरली जब आप पॉइंटर्स क्रिएट करो, तो पॉइंटर के अंदर भी एट ए टाइम किसी भी वेरिएबल के ओनली फर्स्ट बाइट का एड्रेस स्टोर करना पॉसिबल, नॉट अ कंप्लीट बाइट्स. देन हाउ टू डीरेफरेंसिंग कंप्लीट बाइट्स बाय यूजिंग सम पॉइंटर्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट प्रॉपर्टीज. वन मोर थिंग्स, x के केस में एड्रेस क्या है, x का एड्रेस ऑफ x इज 65533.
535. What is the address of 5? Y का address क्या? 65533 according to diagram. Then same as address of Z. Z का address क्या? 529 like that. मीन्स X के अंदर से होना, X के अंदर contents किस type के store होंगे? Character means inside single quotes. Y के अंदर content किस type के store होंगे? Integers. Z के अंदर contents किस type के store होंगे? Decimal numbers means floats. That's why it will take 4 bytes. Means किसी भी value का data type depend किस पर कर रहा है? किसी भी value का size किस पर depend कर? Depends upon data type. लेकिन अगर address की बात करें, किसी भी value का address means first case में value का type character है, लेकिन address किस type का value है? Integer type of numbers. Same as y का data type integer, लेकिन इसका address भी किस form में? Integers के form में. Z का data type float है, लेकिन इसका address float के form में और integers के form में? Integers के form में. तो finally अगर pointers की बात करें, किसी भी pointer में आप हमेशा assign क्या कराओगे? Always memory address, चाहे वो character का address हो या integer का address हो या float का address हो. Always pointer क्या store करेगा? Address not actual contents. अगर address store करेगा तो address की range क्या है? 0 to 65535 according to residence memory diagrams. 0 to 65535 in that range. इस range के data को अगर store कराना, then आपको total bytes कितने required? Means finally range किस form में? Integers के form में. Means finally pointer का size क्या हुआ? Equivalent to size of integer. साइज ऑफ इंटीजर. इंटीजर क्या होगा? इसके पॉइंटर के अंदर स्टोर किया और इंटीजर टाइप्स ऑफ कंटेंट्स. सो इंटीजर टाइप के कंटेंट्स को स्टोर कराने के लिए साइज कितना रिक्वायर्ड? ओनली 2 बाइट. दैट्स व्हाई एवरी पॉइंटर विल टेक्स 2 बाइट्स इन 16 बिट कंपाइलर. वन मोर थिंग्स, इस केस में स्पेशली बात करूंगा. अगर अभी करंटली मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं साइज ऑफ पॉइंट इज 2 बाइट्स, बिकॉज़ इट विल स्टोर इंटीजर टाइप ऑफ एड्रेस. लेकिन अगर रियल केस में पॉइंटर्स के साइज की बात करें तो डिपेंड करेगा मींस पॉइंटर का टाइप क्या है. टाइप मींस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स अवेलेबल, नियर, फायर और फ्यूज. ये सारे प्रॉपर्टी मैं लास्ट सेशन में डिस्कस करूंगा. अभी मींस थ्रू आउट टिल नाउ वी आर कंसीडरिंग साइज ऑफ इंटीजर इज 16 बिट्स और 2 बाइट्स अकॉर्डिंग टू 16 बिट कंपाइलर. अगर आप 16 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो पॉइंटर का साइज क्या लोगे? 2 बाइट्स. अगर आप 32 बिट और 64 बिट सी कंपाइलर यूज कर रहे हैं इंटीजर का टाइप कंसीडर करेंगे जब 4 बाइट, क्योंकि 32 बिट और 64 बिट में इंटीजर का भी साइज क्या होता है? 4 बाइट. इसलिए पॉइंटर का भी साइज क्या होगा? 4 बाइट. मींस बाय डिफॉल्ट किसी भी कंपाइलर के अंदर पॉइंटर का साइज क्या होगा डिपेंड करेगा व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर. अगर इंटीजर का साइज 2 बाइट है देन पॉइंटर का साइज क्या होगा? 2 बाइट्स. और इंटीजर का साइज अगर 4 बाइट है देन पॉइंटर का साइज क्या होगा? 4 बाइट. डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस. इन दैट केस इस फाइनली इस केस में पॉइंटर आप कैरेक्टर टाइप का यूज करो, इंटीजर टाइप का यूज करो, फ्लोट टाइप का. पॉइंटर में हमेशा स्टोर किया हुआ मेमोरी एड्रेस, इसलिए पॉइंटर का साइज क्या है? ऑलवेज 2 बाइट्स अकॉर्डिंग टू 16 बिट कंपाइलर. थ्रू आउट सेशन माय डिस्कशन इज अकॉर्डिंग टू 16 बिट सी कंपाइलर्स. सेम व्हाट इज स्टार पी. फॉर एग्जांपल वी आर डिक्लेयरिंग 3 पॉइंटर्स कैर स्टार पी. इस केस में श्योर है अगर पी के केस में बात करें P का डेटा टाइप क्या है? कैर स्टार. कैरेक्टर के अकॉर्डिंग साइज क्या होना चाहिए? ओनली 1 बाइट. लेकिन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था पॉइंटर किसी भी टाइप का हो डजंट मैटर पॉइंटर का साइज क्या रहेगा 16 बिट कंपाइलर ऑलवेज 2 बाइट्स, चाहे वो कैरेक्टर पॉइंटर हो इंटीजर पॉइंटर. सेम है सेकंड केस में डिफाइन कर रहा हूं इधर int star q. q का भी साइज क्या रहेगा? ऑल्सो 2 बाइट्स. अगर मैं पॉइंटर यूज करता हूं float star R, इस केस में R का भी साइज क्या है? ऑल्सो 2 बाइट्स. इस पॉइंटर किसी भी टाइप का क्रिएट कर, चाहे वो इंटीजर पॉइंटर हो, फ्लोट पॉइंटर हो, डबल पॉइंटर हो या कैरेक्टर पॉइंटर, ऑलवेज साइज क्या रहेगा? फिक्स्ड 2 बाइट्स. इन दैट केस फर्स्ट वन सपोज दैट देयर आर 3 ब्लॉक्स आर अवेलेबल. इन 3 ब्लॉक्स की केसेस में तीनों ब्लॉक के साइज कितने हैं? 2 बाइट्स. मीन सिंपल डायग्राम क्रिएट करो, नॉट अ स्टैक डायग्राम, जस्ट टू द सेक ऑफ explanations. In that case, first case में pointer का name क्या है? P. Means इस block का name consider कर लो P. Second block का name क्या है? जा Q. Third block का name क्या है? जा R. First case में P का type क्या है? Char star. P का type क्या है? This is the location of char star type. This is the location of int star. This is the location as float star. इन सभी location के अगर size की बात करें तो size कितना है? 2 bytes. Also 2 bytes, also 2 bytes.
मीन्स सभी ब्लॉक का एग्जैक्टली साइज क्या है, 2 बाइट्स। अगर आप साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू चाहे आप साइज पी का साइज डिस्प्ले कराओ, क्यू का साइज डिस्प्ले कराओ या आर का साइज, साइज क्या आएगा 2 बाइट्स इन 16-बिट कंपाइलर्स। इन नेक्स्ट सेशन में इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। इन दैट केस सपोज दैट पी के केस में आसान क्या होगा, मेमोरी एड्रेस, वी आर हैविंग सम मेमोरी ब्लॉक लाइक दैट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रिगार्डिंग पॉइंटर्स, सम मेमोरी ब्लॉक्स। Some locations, previous locations or next locations. Some middle locations having address something 100, 101, 102, 103, 104, 105 and 106 and so on. Means इस टाइप कोई middle block available है. Suppose that P के केस में मैंने आसान किया, P equals to address of that location. अगर P के अंदर 100 store है, then P किसको point करेगा इस केस में? इन दैट ब्लॉक। लेकिन इस ब्लॉक से पहले भी कई सारे बाइट्स पॉसिबल हैं, ब्लॉक के और एग्जैक्टली 100 के बाद भी कई सारे बाइट्स पॉसिबल हैं। इन दैट केस अगर पी क्रिएट हुआ तो इस केस में एक और लोकेशन क्या होना चाहिए, स्टार पी। ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टार पी उस लोकेशन का नाम हुआ जिस लोकेशन का एड्रेस पी में स्टोर है, पी में 100 स्टोर है तो स्टार पी किस लोकेशन का नाम है, 100 लोकेशन। लेकिन 100 लोकेशन के बाद कई सारे बाइट्स अवेलेबल हैं, मीन्स स्टार पी एग्जैक्टली कितने बाइट्स को रेफर करेगा डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ पॉइंटर्स। मीन्स पॉइंटर का साइज इटसेल्फ कैसा है, ऑलवेज 2 बाइट्स फिक्स्ड, लेकिन पॉइंटर के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट होंगे डिपेंड्स अपॉन डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर। मीन्स प्रीवियस केस में आपके लिए कन्फ्यूजन क्या था, इन ऑल सेशन अगर पी क्यू आर तीनों का साइज एग्जैक्टली 2 बाइट्स है, एग्जैक्टली 2 बाइट्स, देन फिर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज करने की जरूरत क्या थी। इसे प्रॉपर्टी कंप्लीटली एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं मैं, पॉइंटर का साइज 2 बाइट्स है लेकिन ये कितने बाइट्स को पॉइंट करेगा, मीन्स पी के रिस्पेक्ट में एक और लोकेशन क्या है स्टार पी, क्यू के रिस्पेक्ट में एक और लोकेशन क्या है स्टार क्यू, आर के रिस्पेक्ट में एक और लोकेशन क्या होगा स्टार आर। तो स्टार पी कितने बाइट्स का नेम होगा 1 बाइट, स्टार क्यू कितने बाइट्स का नेम है 2 बाइट्स और स्टार आर कितने बाइट्स को पॉइंट करेगा 4 बाइट्स। दिस इज द डेटा टाइप प्रॉपर्टी रिलेटेड टू पॉइंटर्स। फॉर एग्जाम्पल इन दैट केस पी के केस में क्या आसान हुआ है 100, तो पी किस लोकेशन से पॉइंट करना स्टार्ट करेगा 100 लोकेशन से, और 100 लोकेशन से कंटिन्यूसली कितने बाइट्स पॉइंट करेगा डिपेंड्स अपॉन डेटा टाइप, डेटा टाइप कैरेक्टर और कैरेक्टर का साइज क्या होता है 1 बाइट, इसलिए 100 लोकेशन ऑनवर्ड से कितने बाइट्स पॉइंट करेगा ओनली 1 बाइट। इस सिंगल बाइट का नेम क्या है स्टार पी। अगर इस केस में आप साइज ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू या साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू साइज डिस्प्ले कराते हो, साइज क्या आएगा, व्हाट इज द साइज ऑफ पी 2 बाइट्स, व्हाट इज द साइज ऑफ स्टार पी ओनली 1 बाइट, क्योंकि स्टार पी कितने बाइट्स को रेफर कर रहा है ओनली 1 बाइट्स और पी कितने बाइट्स को रेफर कर रहा है 2 बाइट्स के ब्लॉक्स को। क्लियर। नेक्स्ट वन सेम एज विद रिस्पेक्ट टू क्यू, सपोज दैट अगर क्यू के केस में मैंने 100 असाइन किया है, इसको सेपरेटली कंसिडर कर सकते हो और समथिंग इस केस में एक और ब्लॉक क्रिएट करा, वन मोर ब्लॉक्स लाइक दैट। सम प्रीवियस लोकेशन, अगर इस मिडिल लोकेशन का एड्रेस 200 है, 201, 202, 203, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, देन अगर क्यू के केस में जैसे गिवन ब्लॉक के बिगिनिंग एड्रेस को असाइन करता हूँ समथिंग 200, तो क्यू किस प्लेस से पॉइंट करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम 200 लोकेशन ऑनवर्ड्स, लेकिन 200 के बाद कंटिन्यूसली 1000 नंबर ऑफ बाइट्स पॉसिबल, कितने बाइट्स पॉइंट करेगा डिपेंड्स अपॉन डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है इंट स्टार और इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर के अकॉर्डिंग से क्यू का साइज क्या है 2 बाइट्स फिक्स्ड, लेकिन क्यू पॉइंट भी कितने बाइट्स करेगा ऑल्सो 2 बाइट्स, क्यों डेटा टाइप क्या है इसमें इंटीजर। वन मोर थिंग्स, किस लोकेशन से पॉइंट करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम 200 ऑनवर्ड्स, तो 200 ऑनवर्ड मीन्स दैट प्लेस, इस प्लेस से इस पर्टिकुलर केस में इस पूरे ब्लॉक का नेम क्या है 2 बाइट। इस केस में स्टार क्यू कितने बाइट को रेफर करेगा 2 बाइट्स को, स्टार पी कितने बाइट को रेफर कर रहा है ओनली 1 बाइट्स। अगर आप स्टार पी में कोई वैल्यू साइन करो तो चेंजेस कितने बाइट्स में होंगे ओनली 1 बाइट्स में, स्टार क्यू में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर दो चेंजेस कितने बाइट्स में होंगे 2 बाइट्स में, लाइक दैट। अगर आप इस केस में क्यू का साइज डिस्प्ले करा दो, व्हाट इज द साइज ऑफ क्यू, साइज ऑफ क्यू इज फिक्स्ड 2 बाइट्स, और व्हाट इज द साइज ऑफ स्टार क्यू का साइज क्या है ऑल्सो 2 बाइट्स, क्योंकि पॉइंट भी कितने बाइट्स कर रहा है ओनली 2 बाइट्स। सिमिलर वे आर,
आर के रिस्पेक्ट में एक और ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ, समथिंग ब्लॉक एड्रेस हैविंग एज 300। थ्री नॉट वन सम प्रीवियस पोजिशंस नेक्स्ट पोजिशंस 300 301 302 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अगर आर के केस में इस ब्लॉक का एड्रेस रन कराते हैं एज ए 300 तो आर के इसको पॉइंट करेगा सेम ब्लॉक, आर इज पॉइंटिंग दैट लोकेशन। लेकिन इस लोकेशन के केस में आर के पास ऑलवेज कितनी बाइट्स की मीन्स किसी पॉइंटर के पास करेंटली कितनी बाइट का एड्रेस है, ओनली वन बाइट। लेकिन पॉइंट कितने बाइट्स होंगे डिपेंड्स अपॉन डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर। करेंट केस में आर का साइज 2 बाइट है, लेकिन आर का डेटा टाइप क्या था फ्लोट स्टार। फ्लोट स्टार के केस में पॉइंटर आर कितनी बाइट्स को पॉइंट करेगा 4 बाइट्स फ्रॉम विच प्लेस 300 ऑनवर्ड्स। 300 ऑनवर्ड्स कितने बाइट्स पॉइंट करेगा ये 4 बाइट्स। मीन्स इसको मैं नेम प्रोवाइड करूंगा एज ए स्टार आर। इस 4 बाइट के कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या है स्टार आर। दिस द डिफरेंस बिटवीन पी एंड स्टार पी, डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड स्टार क्यू, डिफरेंस बिटवीन आर एंड स्टार आर। मीन्स पॉइंटर का डेटा टाइप कुछ भी हो डजंट मैटर, पॉइंटर का साइज ऑलवेज फिक्स्ड है ऑलवेज 2 बाइट्स। लेकिन इसके थ्रू बाइट्स कितने पॉइंट्स होंगे डिपेंड्स अपॉन डेटा टाइप प्रॉपर्टी। तो फाइनली इस केस में अगर आप आर का साइज स्पीक कराओ तो आर का साइज अगेन क्या मिलेगा आपको 2 बाइट्स। व्हाट इज द साइज ऑफ स्टार आर, स्टार आर कितने बाइट्स का नेम है इट इज अ नेम ऑफ 4 बाइट्स, दैट्स व्हाई इट विल डिस्प्लेइंग 4 बाइट्स। दिस इज द साइज प्रॉपर्टी रिगार्डिंग पॉइंटर। सेम एज वन मोर थिंग्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब भी आप किसी पॉइंटर्स के साथ इंटीरियर को ऐड कराते हो देन इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा, प्रीवियस केस में आपने देखा था अगर आप सिंपली राइट डाउन कर दो समथिंग एक्स प्लस प्लस, देन इस केस में किसी भी वेरिएबल्स में इंक्रीमेंट कितने से होगा ओनली 1 से। क्लियर? अगर मैं इस प्लेस पर राइट डाउन करता हूँ एज अ पी प्लस प्लस इज द नेक्स्ट डिस्कशन। पी प्लस प्लस पहले आप प्रीवियस डायग्राम को कंप्लीट करना, उसके जस्ट बाद इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पी प्लस प्लस पी के पास करेंटली क्या है 100, देन इंक्रीमेंट कितने से हुआ अगेन डिपेंड्स हाउ मेनी बाइट्स आर पॉइंटेड बाय दैट पॉइंटर। मीन्स किसी भी पॉइंटर में अगर आप 1 से एडिशन कराओगे देन एडिशन कितने से परफॉर्म हुआ, सब्ट्रैक्शन कितने से परफॉर्म डिपेंड करेगा पॉइंटर्स के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट हो रहे हैं या पॉइंटर का डेटा टाइप क्या है। कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू 1 बाइट्स पॉइंट होते हैं इसलिए इंक्रीमेंट भी कितने से होगा 1 से ओनली 1। जैसे इस केस में 1 असाइन होगा 101 और ये पॉइंट किस प्लेस से स्टार्ट करना करेगा। ये सभी इस डायग्राम को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, ओनली फाइनली आपको चेक करना जब पी में इंक्रीमेंट किया तो पी का न्यू वैल्यू क्या है 101। क्लियर? सेम एज अगर मैं क्यू में इंक्रीमेंट करता हूँ लाइक क्यू प्लस प्लस, क्यू का करंट वैल्यू क्या 200, लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट कितने से होंगे पी के केस में इंक्रीमेंट कितने से हुआ था 1 से बिकॉज क्यू का डेटा पी का डेटा टाइप क्या था कैरेक्टर। क्यू में इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 से बिकॉज क्यू का डेटा टाइप क्या है इंटीजर। तो यहाँ इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 से न कि 1 से। क्लियर? करंट वैल्यू क्यू का क्या है 200 और 200 में 2 ऐड कराओगे तो उसका न्यू इंक्रीमेंट के बाद न्यू एड्रेस क्या होगा इसके पास 202 नॉट 201। सेम अगर आर में इंक्रीमेंट कराओ तो आर में इंक्रीमेंट कितने से होगा डिपेंड करेगा हाउ मेनी बाइट्स आर पॉइंटेड बाय आर। आर कितने बाइट्स को पॉइंट कर रहा है 4 बाइट्स को या आर का डेटा टाइप क्या है फ्लोट, इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा 4 बाइट्स से। इस केस में इंक्रीमेंट के बाद न्यू वैल्यू क्या आएगा 304। दिस इज द डिफरेंस अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस।